आज गाजीपुर के अंदर हमारा प्रदेश स्तरीय पिछड़ा वर्ग का महासम्मेलन हुआ। उसमें मुख्य मुद्दा ये था कि हम जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा द्वारा जनता के बीच में गए और जिस तरीके से आज इंडिया अलायंस का गठन हुआ है कांग्रेस की पहल के ऊपर, और मैं समझता हूं आज जो हमारा जो इंडिया अलायंस है वो मजबूत अलायंस बनेगा। और आज हमने ये भी बात रखी है कि जातीय जनगणना कोई समाज को बांटने के लिए नहीं है, उससे स्वर्ण को भी फायदा है कि उससे केवल हिंदुओं का सर्वेक्षण नहीं होगा, उसमें चाहे हर जाति धर्म के लोगों सबका सर्वेक्षण होगा। उसमें जो समाज के जो सबसे वंचित समाज के लोग हैं, जो किसी भी जाति के हों, चाहे स्वर्ण जाति के हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के हों, चाहे शूल कास्ट में हों, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, तो सबसे आखिरी लाइन में जो बैठा हुआ गरीब आदमी है उसके लिए योजनाएं बनेंगी, उसके लिए काम होगा। वो तभी बनेगा किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास स्कूटर है, किसके पास मोटरसाइकिल है, कौन अशिक्षित है, कौन शिक्षित है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे केवल चार वर्ग हैं, एक युवा, तो युवाओं को रोजगार दिया, 2 करोड़ रोजगार दिया युवाओं को, आपने बेरोजगारी से आपने त्रस्त हैं। गरीब कहते हैं दूसरा वर्ग मेरा गरीब है, मनरेगा में आपने कम कर दिया, गरीब की थाली के अंदर दाल, आपका प्याज, आपका टमाटर, आपकी दाल तेल, उसकी गरीब की थाली से आप निकाल रहे हैं और अब कहते हैं मैंने गरीब मेरा एक वर्ग है। तीसरा कहते हैं महिला, 33% आरक्षण के अंदर ओबीसी की महिलाओं ने क्या बुरा किया था जो उनको वंचित किया गया। आपकी हमारे जो पहलवान है, जो महिला हमारी जो रेसलिंग की जो खिलाड़ी है साक्षी मलिक और वनिता फोगाट, उनके मुंह के ऊपर जूता रखा गया उसको, और अगर राष्ट्रपति की किसी ने मिमिक्री कर ली तो कहते हैं जाट है, और अगर साक्षी मलिक और विनय फोगाट और ब्रिज अपने पुनिया जो अपने बाल ब्रिज भूषण पुनिया जिन्होंने अपना पद्म भूषण वापस किया, क्या वो जात नहीं है? आप जो है जात पात की आप कहते हैं, मैं बात नहीं करता, मैं केवल वर्गों की बात करता हूं। आपने कहा किसान मेरा एक वर्ग है, आपने महिलाओं को कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान जो है उनकी आय दुगनी करी आपने, आपने वादा किया था, आपने 700 किसान में जो आंदोलन हुआ उसमें अपनी आहुति दी जान की, क्या आपने न्यूनतम मूल्य लागू किया, क्या आपने आय दुगनी करी उनकी? तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रमित करने की बात करते हैं। वाराणसी के अंदर में गया, ना तो गंगा साफ हुई, ना वहां जाम की स्थिति खत्म हुई, वहाँ जो IIT IIM जितने भी बड़े बड़े यहाँ यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो आपकी BHU हो, आप जानते हैं बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी है, सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस सुई से लेकर जहाँ तक बनाया, ये कहते हैं 70 साल में कुछ कुछ नहीं किया। मोदी जी जिस कॉलेज से, पता नहीं वो डिग्री फर्जी या असली है, वो जिस कॉलेज से लिए वो भी कांग्रेस का बनाया हुआ है। अभी आप इंडिया अलायंस में एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी 2 दिन पूर्व जो है खड़गे साहब का नाम जो PM के नाम के लिए प्रस्तावित किया गया और राजद के विधायक कह रहे कि मैं किसी खड़गे को नहीं जानता। ऐसा है कि खड़गे जी ने तो स्वयं मना कर दिया कि वो इसका अलायंस का चेयरमैन बनना नहीं चाहते हैं। अभी हमारी 9 मीटिंग होंगी, उसकी जगह निश्चित कर दी गई है, एक कमेटी बना रही है, बाकायदा सीट शेयरिंग अलायंस जो है कहा गया कि जनवरी के एंड तक इसको हम कर देंगे। WFIA की मीटिंग हुई, इसमें नया चयन भी हुआ, फिर उसे खत्म भी कर दिया गया, इसे कांग्रेस किस नजर से देखती है? देखिए पहली बात तो ये इलेक्शन क्यों कराए गए? अगर इलेक्शन कराना था तो जब ये कहा गया था खेल मंत्री ने कि ब्रिज भूषण के जो से संबंध रखने वाले लोगों को बाहर रखा जाएगा, तो फिर ब्रिज भूषण जी माला पहन कर और कह रहे हैं कि जो कुछ मैं हूँ, और उसके बाद संजय सिंह जो है जो उनका उप प्रधान था वो प्रधान बना दिया, तो अब देर आए दुरुस्त है। अब उन्होंने अगर जो है उसको सस्पेंड किया है तो अच्छा कदम है, लेकिन अभी भी हमारी महिलाएं जो पहलवान हैं, जो इंक्वायरी क्या है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ, अन्य बातें जो है बलात्कार की बात हुई गई कही गई, तो उसके बारे में
जो है अब तक सरकार कदम क्यों उठा रही, ब्रजभूषण क्यों आज खुले आम कैसे घूम रहा है?